नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने मेरी और भी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुकिंग, मेहंदी और सिलाई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि 6 कली के पेटकोट की कटिंग कैसे की जाती है। इसके पहले मैंने आपको 4 कली के पेटकोट की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 6 कली के पेटकोट की कटिंग। यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम 5 इंच करेंगे और इसको जब हम मोड़ेंगे तो वो 2.5 इंच आएगा। इस पर मैंने चौक से निशान लगा के हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। जितनी चौड़ी हमको बेल्ट चाहिए उस हिसाब से हम 2 बेल्ट को निकालेंगे। अब इसके बाद मैंने 2 बेल्ट ऐसे काट लिया है। बेल्ट को हमको ऐसे बनाना है। अब इसके बाद दूसरे बेल्ट को रख के हम इसकी ऐसी जितनी हमको चौड़ाई चाहिए उतनी चौड़ाई हम लेंगे। चौड़ाई मैंने 22 इंच लिया हुआ है। अब इसके बाद हम नाप लेंगे कि हमारी चौड़ाई 22 इंच है कि नहीं। मेरी चौड़ाई हो गई 22 इंच। इसके बाद हम कपड़े को ऐसे रखेंगे जिसको हमको 6 कली काटना है, जिसकी लंबाई मैंने 34 इंच ली है। आपको जितना साइज चाहिए उसके हिसाब से आप अपना साइज ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों, कमर का जो मैंने नाप लिया था 22 इंच, उसका 1/4 भाग हम करेंगे। तो कमर की चौड़ाई जो होगी वो 1.25 इंच होगी और 1/2 इंच हम सिलाई का लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड हमको 1.25 इंच ले लेना है और 1/2 इंच हम सिलाई लेंगे। अब हम चाहें तो इसको ऐसे मोड़ सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे चौक से भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे मोड़ने का जो तरीका होता है बहुत ही सरल होता है। मोड़ने के बाद हम इसको ऐसे कैंची से काट लेंगे, जो ऐसे काटने पे एकदम अच्छे से ये कटिंग हो जाती है। देखिए दोस्तों, अब कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसको बराबर करेंगे। अब नीचे के साइड में जो जॉइंट है उसको मैं ऐसे काट लूंगी ताकि हमारे जो कली हैं वो अलग अलग हो जाएं। अब नीचे से मैंने काट लिया है। अब हमारे जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। एक तरफ जॉइंट रहेगा और एक तरफ जो है वो खुला रहेगा। चार पार्ट खुले रहेंगे और 2 पार्ट जो होंगे वो जॉइंट रहेंगे। अब ऊपर की चौड़ाई को भी हम ऐसे काट लेंगे। अब इसको हमको एक साइज का बनाना है ताकि ऊपर नीचे कपड़ा ना हो, तो हम ऐसे मोड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ रहेगा उसको हम ऐसे बराबर करके चौक से निशान लगा के उसकी कटिंग कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे ही एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेंगे। अब एक एक पार्ट को दोस्तों मैं खोल के बताऊंगी कि हमको कैसे सेट करना है। ये हमारा चौड़ा भाग है, इस पे हम ऐसे एक उल्टा और एक सीधा करके इस पे एक पार्ट को ऐसे रखेंगे और ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम एक पार्ट को रखेंगे।
देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे सारे पार्ट को ऐसे लगा लिया है। कटिंग हम ऐसे करेंगे और स्टिचिंग भी जैसे मैंने कपड़े को सेट किया है ऐसे ही हमको स्टिचिंग भी करना है। देखिए दोस्तों, ये पूरे अच्छी तरीके से सेट हो गया है। हमको ऐसे इसको स्टिचिंग करनी है। अब इसके बाद मैं इस पे ऐसे बेल्ट को ऐसे स्टिचिंग करूँगी। जो मैंने कपड़ा काटा हुआ था बेल्ट में जोड़ने के लिए, उसको भी हम ऐसे लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही आसान और सिंपल है और दिखने में भी ये काफ़ी आसान लग रहा है। आप भी इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, और इसकी स्टिचिंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी अगले आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।